अजमेर के कर्फ्यू क्षेत्र खारीकुई इलाके से दो पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी शराब पीकर घर घर पहुंचे और बेवजह लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसका वीडियो भी उन्होंने बनाया और पुलिसकर्मियों से जानकारी ली, लेकिन वह कुछ भी कहने में असमर्थ थे और वहां से रवाना हुए। मामले की गंभीरता को देखते हुए अजमेर एसपी को राजदेव में हेड कांस्टेबल शीशराम को सस्पेंड करते हुए उसकी जांच उपाधीक्षक को सौंपी है, जिससे कि पूरे मामले में जांच की जा सके। अजमेर एसपी ने कहा कि कांस्टेबल द्वारा अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं की गई और वह अपने ड्यूटी पॉइंट पर भी तैनात नहीं था, जिसके चलते उस पर कार्रवाई की गई है। देखिए, एक सिपाही का वीडियो एक वायरल हुआ था, जिसमें कि ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि उसने शायद नशा किया हुआ है, और उसके बाद में उस सिपाही को हमने ढूंढने की कोशिश की तो अपने घर पर नहीं मिला, ना ही ड्यूटी पॉइंट पे मिला। दोनों ही चीज़ें जो हैं वो गंभीर अनियमितता में आती हैं, लापरवाही में आती हैं, जिसको देखते हुए उसे सस्पेंड किया गया। देखिए, कोतवाली क्षेत्र में तैनात था, नाम मुझे फिलहाल ध्यान नहीं है, मैं ये बता सकता हूँ कि क्योंकि उसका कृत्य जो है वो प्रथम दृष्टया लापरवाही की श्रेणी में आता है, इसलिए उसे सस्पेंड किया।